हे पूज्य परमेश्वर, मैं तेरे नाम सिमरण द्वारा ही जीवित हूँ और मेरे मन में आनंद बना रहता है। सत्य स्वरूप परमेश्वर का नाम सत्य है और उस गोविंद के गुण भी सत्य हैं। गुरु का ज्ञान बोध करवाता है कि सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर अनंत है। जिसने यह सृष्टि रचना की है उसने ही इसका विनाश किया है। जब प्रभु के हुक्म द्वारा भेजा हुआ मृत्यु का निमंत्रण आ जाता है तो कोई भी प्राणी उसे टाल नहीं सकता। वह स्वयं ही जीवों को उत्पन्न करके देखता रहता है, अर्थात उनकी देखभाल करता रहता है और स्वयं ही जीवों के लिए कर्मों अनुसार उनके माथे पर किस्मत का लेख लिखता है। उसने स्वयं ही जीवों को अपने बारे में ज्ञान प्रदान किया है। हे नानक, वह मालिक परमेश्वर अगम्य एवं अगोचर है और मैं उसके सत्य नाम की स्तुति करने से ही जीवित हूँ। हे ईश्वर, तुम्हारे जैसा अन्य कोई भी नहीं है। जो भी जन्म लेकर दुनिया में आया है वह यहाँ से चला जाएगा। तेरे हुक्म से ही जीवों के किए कर्मों का निपटारा होता है और तू ही उनका भ्रम दूर करता है। हे भाई, गुरु अपने सेवक का भ्रम संशय दूर कर देता है और उससे अकथनीय प्रभु की स्तुति करवाता है। फिर वह सत्य पुरुष सत्य में ही समा जाता है। भगवान स्वयं ही जीवों को पैदा करता है और स्वयं ही उन्हें अपने में ही वलीन कर लेता है। मैंने हुक्म करने वाले भगवान जी का हुक्म पहचान लिया है। हे मालिक प्रभु, जिसने गुरु से तेरे नाम की सच्ची शोभा प्राप्त कर ली है तू उसके मन में आकर बस जाता है और अंतिम काल में भी उसका साथी बनता है। नानक जी का कथन है कि हे प्रभु, तेरे सिवाय दूसरा कोई भी मालिक नहीं है और तेरे सत्य नाम द्वारा ही जीव को तेरे दरबार में बड़ियाई मिलती है। हे परमेश्वर, एक तू ही सच्चा सृजनहार एवं अलख है और तूने ही सब जीवों को पैदा किया है। सबका मालिक एक परमात्मा ही है, परंतु उससे मिलने के कर्म मार्ग एवं ज्ञान मार्ग, उन दो प्रचलित मार्गों ने जीवों में परस्पर विवाद बढ़ा दिए हैं। परमेश्वर ने अपने हुक्म में समस्त जीवों को इन दो मार्गों पर चलाया हुआ है। इसके हुक्म से ही यह जगत जन्मता एवं मरता रहता है। जीव ने व्यर्थ ही माया रूपी विष का भार उठाया हुआ है, परंतु परमात्मा के नाम बिना कोई भी उसका साथी नहीं बनता। जीव तो परमात्मा के हुक्म से ही जगत में आया है, परंतु वह उसके हुक्म को नहीं समझता। प्रभु स्वयं ही अपने हुक्म में जीव को सुंदर बनाने वाला है। हे नानक, मालिक परमेश्वर की पहचान तो शब्द के द्वारा ही होती है और वही सच्चा सृजनहार है। भगवान के भक्त उसके दरबार में बैठे बड़े सुंदर लगते हैं और उनका जीवन शब्द से ही सुंदर बना हुआ है। वह अपने मुख से अमृत वाणी बोलते हैं और उन्होंने अपनी रसना को अमृत रस पिलाया हुआ है। वे अमृत रस के ही प्यासे होते हैं और अपनी रसना को अमृत रस ही पिलाते रहते हैं। वे तो गुरु के शब्द पर ही न्योछावर होते हैं। हे प्रभु, जब वे तेरे मन को अच्छे लगते हैं तो वे पारस रूपी गुरु को स्पर्श करके स्वयं भी पारस रूपी गुरु बन जाते हैं। वे अपने अहंकार को समाप्त करके
अमर पद भी प्राप्त कर लेते हैं। कोई बिरला पुरुष ही इस ज्ञान पर चिंतन करता है। हे नानक, भक्त सत्य के द्वार पर ही शोभा देते हैं और सत्य नाम के ही व्यापारी हैं। हे भाई, मैं तो माया का भूखा और प्यासा हूँ, फिर मैं भगवान के दरबार पर कैसे जा सकता हूँ? मैं जाकर अपने गुरु से पूछूंगा एवं भगवान का नाम स्मरण करूंगा। मैं अपने मन में सत्य नाम का ही ध्यान मनन करता हूँ, अपने मुँह से सत्य नाम को जपता हूँ। अब तो मैं रात दिन दीनानाथ दयालु एवं पवित्र प्रभु के नाम का ही जाप करता हूँ। यह नाम स्मरण करने का कार्य मुझे परमात्मा ने प्रारंभ से ही करने की आज्ञा की है। इस तरह अहंकार मिट गया है और मन नियंत्रण में आ गया है। हे नानक, नाम महा मीठा रस है और नाम ने मेरी माया की तृष्णा दूर कर दी है। धनांसरी छंत महला पहला, पीर संग मुठड़िए खबर ना पाया जीव, मस्तक लिखड़िया लेख पूर्व कमाया जीव, लेख न मिटई पूर्व कमाया, किया जाना किया होसी, गुणी आचार नहीं रंग राती, अब गुण बह बह रोसी, धन जोवन आक की छाया, व्यर्थ भय दिन पुण्या, नानक नाम बिना दुहागण, छूटी झूठ बिछूनिया, बूढ़ी घर घालियो, गुर के भाई चलो, सच्चा नाम ध्याए, पावह सुख महलो, हर नाम ध्याए, ता सुख पाए, पियड़े दिन चारे, निज घर जाई, बहे सच पाए, अन दिन नाल प्यारे, बिन भक्ति घर वास न होवी, सुन है लोक सवाए, नानक सर सीता पीर पाए, राती साचे नाए, पीर धन भावे ता पीर भावे, नारी जीव रंग प्रीतम राती गुर के, शब्द विचारी जीव गुर शब्द विचारी, नह प्यारी निव निव भगत करई, माया मोह जलाए, प्रीतम रस मह रंग करई, प्रभ साचे सेती रंग रगेती, लाल भई मन मारी, नानक साच बसी सुहागण, पीर सिउ प्रीत प्यारी, पीर घर सोहे नार जय पीर भावे जीव, झूठे बैण चवे काम ना आवे जीव, झूठ अलावे काम ना आवे, ना पीर देखे नैनी, अब गुणे आरी कंत विसारी, छूटी बिधन रैनी, गुर शब्द न माने फाही फाथी, साधन महल न पाए, नानक आपे आप पछाणे, गुरमुख सहज समाए, धन सुहागण नार जिन पीर जानिया जीव, नाम बिना कुड़ियार कूड़ कमाणिया जीव, हर भक्त सुहावी साचे भावी, भाई भक्त प्रभ राती, पीर रलिया जोवन बाला तिसरावे रंग राती, गुर शब्द विगासी सहरवासी, फल पाया गुणकारी, नानक साच मिले बड़े आई, पीर घर सोहे नारी, हे माया से ठगी हुई जीव स्त्री, तेरा प्रियतम प्रभु तो तेरे साथ ही है, परंतु तुझे अभी तक इस बात की कोई खबर नहीं, जो कुछ तूने अपने पूर्व जन्म में किया है, तेरी उस किस्मत का लेख तेरे माथे पर लिखा हुआ है, पूर्व जन्म में किए कर्मों का लेख अब मिट नहीं सकता, मैं क्या जानता हूँ कि आगे क्या होगा, गुणवान एवं सदाचारणी बनकर तू अपने प्रियतम प्रभु के प्रेम में मग्न नहीं हुई, इसलिए अपने अवगुणों के कारण तू सदैव ही परलोक में बैठी दुखी होती रहेगी। यह धन एवं यौवन आंख की छाया के समान है, वृद्ध होने से तेरी आयु के दिन समाप्त हो जाएंगे। नानक जी का कथन है कि नाम के बिना तू बदकिस्मत एवं परित्यक्ता स्त्री बन गई है और तेरे झूठ ने
तुझे तेरे प्रियतम प्रभु से तुझे जुदा कर दिया है।